नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी, आपके साथ। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। भाजपा प्रवक्ता अनिल सौमित्र ने दिया विवादित बयान, महात्मा गांधी को बताया पाकिस्तान का राष्ट्रपिता, पार्टी ने किया सारे पदों से निलंबित। मध्य प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, आम सभाओं और रैली जैसे कार्यक्रमों पर लग जाएगी रोक। बढ़ सकती है साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें, चुनाव आयोग ने आगर मालवा कलेक्टर की रिपोर्ट भेजी दिल्ली। शहरवासियों को गर्मी से जल्द राहत मिलने के आसार रहे कम, शहर में जून अंत तक दस्तक दे सकता है मानसून। वोटिंग एनालिसिस के मुताबिक 2014 के मुकाबले तीन चरणों में 21 सीटों पर हुई 10% ज्यादा वोटिंग। भोपाल एक्सप्रेस में सवार हुई महिला के ट्रेन से चोरी हुए थे गहने, उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश, महिला को 6 लाख रुपए दे रेलवे। हथियारबंद बदमाशों ने चेन पुलिंग करके कर्नाटक एक्सप्रेस को रोका और महिलाओं के लूट लिए पर्स। सागर में बारातियों की कार खाई में गिरी, 4 लोगों की हुई मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। सांसद मिश्रा के नाम से ऑडियो हुआ वायरल, भाजपा पर किया गुस्सा जाहिर और कांग्रेस का सपोर्ट करने की कही बात। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विमला वर्मा दीदी का हुआ निधन, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जताया शोक। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।